Hey, what's up guys, welcome back to another video. तो गाइस कैसे हो सारे, आई होप आप सारे मस्त होंगे। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में तो ना भाई बताने वाले इंस्टाग्राम में फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी आपको बहुत सुनने में। भाई इंस्टाग्राम में तो ना भाई बताने वाला है फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं, वो भी यूनिक ऑसम बिल्कुल प्रोफेशनल लुक में। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले गाइस। वीडियो पहले लाइक नहीं कर सकते लाइक कर देना, जो भाई चैनल पर नया आया हो ना यार सब्सक्राइब कर देना, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। साथ ही साथ अपने भाई को यार इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो यार क्या कर रहे हो, फॉलो कर लेना, लिंक जिसमें स्क्रीन पर देने मेरा अपने भाई का यार यश निमेश तो जरूर जाकर फॉलो करो। वहाँ दोनों भाई एडिंग रिलेटेड नए नए मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट वगैरह क्रिएट करता रहता है। आपको पसंद आते तो यार फॉलो भी कर लेना। ओके, कुछ दिक्कत आ रही हो अपने भाई को, प्रॉब्लम आ रही हो एडिटिंग से रिलेटेड, तो भाई आप डीएम कर सकते हो तो भाई जरूर रिप्लाई करेगा। तो भाई आप वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स डू इट। ओके गाइस, यहाँ पर हमने मोबाइल स्क्रीन ओपन कर लिया। गाइस इंस्टाग्राम को हम ओपन करते हैं एप्लीकेशन, तो ओपन होने के बाद आपको जाना है गाइस, आपको जाना है पोस्ट पर, जहाँ पर गाइस आप पोस्ट अपलोड करते हो। गाइस आपको प्लस आइकन मिल जाता है यहाँ पर, ऊपर मिल जाता है यहाँ पर ऊपर ये रहा प्लस आइकन, तो प्लस आइकन पर जैसे क्लिक करो, जैसे क्लिक करो आपको गाइस फोटो सेलेक्ट कर लेनी है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद जितनी आप अपलोड करना चाहते हो वो आप अपलोड कर लेना, जैसे मेरे को इतनी करनी है अपलोड। तो यहाँ पर हम करेंगे राइट क्लिक ऊपर से, तो राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो मिलता है ना ओसम इफेक्ट मिलते हैं, ओसम एडिटिंग मिलते हैं, जैसे भाई लाइटरूम में मिलते हैं। तो हमारा भाई करना यूज़ बताते हैं कैसे करना है, तो वीडियो फुल वॉच कर लेना। ओके, तो यहाँ पर आपको गाइस फिल्टर मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर मिल जाते हैं, ये गाइस पहले से बने हुए होते हैं, जो उनसे आपको सेव रहा हो वैसे आप देख लेना। तो गाइस आपको अच्छे भी नहीं लग रहे हो तो गाइस खुद क्रिएट करना बता देते। तो हमारा भाई एडिट पर जाना, तो एडिट मिल जाता है आपको बराबर में, फिल्टर के नीचे एडिट मिल जाता है बराबर में। तो एडिट आपको बिल्कुल ऐसे करना है जैसे गाइस आप लाइटरूम में करते हो, तो लाइटरूम में जैसे आता है ऐसे करना है आपको। तो ब्राइटनेस आपको देख सकते हो, ब्राइटनेस गाइस हमारी सही है वैसे, ज़्यादा नहीं है, तो गाइस मैं थोड़ी सी और कम कर लूँगा। तो कम करने के बाद डन क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रास्ट फोटो को सही है तो हल्का सा और बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद यहाँ पर सही लग रहा है। अब वही जो हमारा स्ट्रक्चर है वो जरूरी है फोटो में, तो स्ट्रक्चर आपको लाना है, तो स्ट्रक्चर तो हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद साथ बढ़ाएं, यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर आ चुका है। अब वही यहाँ पर आता है वेदर, तो इस पर आप क्लिक करना, आपको वैसे बढ़ाओगे तो आपको येलो टोन डल जाएगी, आपको माइनस करोगे तो ब्लू टोन डल जाएगी, वो आपके फोटो के हिसाब से है। तो मेरे जो पीछे ग्रीन टाइप है तो मैं गाइस थोड़ी येलो टोन डालूंगा, तो यहाँ पर हमने 40 के आसपास करा है। डन क्लिक करेंगे, डन क्लिक करने के बाद आप सैचुरेशन पे आते हैं, तो वही आपको लाइटरूम का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें गाइस बहुत आसान है वैसे। तो सैचुरेशन को हम बढ़ाएंगे, यहाँ पर सही लग रहा है ऐसे, तो बिफोर आफ्टर यहाँ पर डन क्लिक करेंगे, भाई कलर्स मिल जाते हैं। कलर्स मिल जाने के बाद आपको शैडो और हाईलाइट, आपको हाईलाइट का ऑप्शन ये रहा, शैडो को ये रहा, जिन से आप शैडो वगैरह क्रिएट करना चाहो आप कर सकते हो। यहाँ पर शैडो डाल सकते हो, जैसे गाइस ब्लू टोन, आप जैसे ब्लू टोन डल चुके हैं, तो हमें गाइस येलो डाल देते हैं, तो येलो पर हम क्लिक करेंगे, तो येलो पर हमको दोबारा क्लिक करना है, दोबारा क्लिक करने के बाद आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। तो आज मैं हल्के से घटाऊंगा यहाँ पर 12-14 के आसपास, यहाँ पर सही लग रहा है। साइड हमने का येलो डाली है, अब वही हाईलाइट देखते हैं कौन सी सही लगती है वाली फोटो पे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी सही है, तो यहाँ पर तो भाई यहाँ पर येलो ही सही लग रही है, येलो पर दोबारा क्लिक करेंगे, दोबारा क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद डन क्लिक करना है, डन क्लिक करने के बाद फिर से राइट डन क्लिक करना है, आप देख सकते हो बिफोर ये देखो आफ्टर, तो भाई सही है वैसे। तो आप फेड वगैरह डालना चाहो फोटो में, फेड डाल सकते हो, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फेड की। ओके, हाईलाइट देखते हैं हम हाईलाइट क्या है, तो हाईलाइट को हम हल्की सी बढ़ा देंगे, हल्की सी बढ़ाने के बाद डन क्लिक करेंगे। इस शेडो को भी हम बढ़ाएंगे हल्का सा, तो शेडो भी बहुत ज़रूरी है हमारी फोटो में। ओके, तो यहाँ पर सही लग रहा है, डन क्लिक करने के बाद आपको गाइस बिगिन एंड जो गाइस हमारे फोटो के चारों ओर ब्लैक ब्लैक हो जाता है थोड़ा, तो बिगिन एंड को हम गाइस जैसे करते हैं आप देखते हो कितनी अच्छी लुक आ चुकी है, और ज़्यादा नहीं 40 के आसपास रखेंगे। यहाँ पर डन क्लिक करेंगे, डन क्लिक करने के बाद आपको मिल जाते हैं यहाँ पर टेल शेड का ऑप्शन, ये गाइस ब्लर का ऑप्शन है, तो आप ब्लर देख सकते हो, जहाँ पर आपको रखना हो ब्लर, जहाँ पर आपको साफ रखना हो वहाँ पर आप रख सकते हो। एक और मिलता है यहाँ पर गाइस साइड में, तो आप देख लेना जो उनसे आपको सही लग रहा हो। तो जैसे गाइस हमने यहाँ पर करा है, अब जैसे ब्लर हो चुका है यहाँ पर गाइस हमारा फोस, यहाँ पर फेस छोड़ के और बाकी तरफ ब्लर हो चुका है, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है वैसे। तो गाइस हम इसे ऑफ कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करने के बाद आपको मिल जाता है पर शार्पनिंग का ऑप्शन, शार्प आप फोटो जितनी बढ़ानी चाहो बढ़ा सकते हो शार्पनिंग, तो डन क्लिक करना आप देख सकते हो बिफोर देखो आफ्टर, तो येलो टोन आप देख सकते हो कितने अच्छे टोन डल चुके हैं। तो फिर से हम कलर्स में जाएंगे, कलर्स में जाने के बाद इसी गाइस थोड़ी सी और शेडो में हल्की सी बढ़ा दूंगा, यहाँ पर सही लग रहा है, डन क्लिक करेंगे, डन क्लिक करने के बाद तो बिफोर आफ्टर, तो भाई ये था हमारा फिल्टर वगैरह जो गाइस नॉर्मली एडिटिंग होती है। अब गाइस यहाँ पर आप रोटेट कर सकते हो, जितना आपको रोटेट करना हो चाहे गाइस साइड कर सकते हो,
या बड़ा कर सकते हो जैसे गाइस पोस्टर वगैरह में होता है। ओके ऊपर कर सकते हो नीचे कर सकते हो, तो गाइस हम इसे कैंसिल कर देंगे। ये मिल जाता है गाइस आपको आपको फर्स्ट ऑप्शन, ये मैंने यूज़ नहीं करना बताया था, ये ऐड में बताया था। ओके तो ये देख सकते हो बिफोर, ये देखो आफ्टर, तो ये इसके फिल्टर थे, इसके फिल्टर बहुत कमाल के हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो जो सा भी आपको सही और वैसे तो भाई इसके जो फिल्टर हैं बहुत तगड़े फिल्टर हैं, हर फोटो पे गाइस मैच हो जाते हैं और गाइस बिल्कुल बूम फिल्टर लगते हैं। तो गाइस सब में फेवरेट है मेरा ये वाला फिल्टर है, जो कि इस पर आप क्लिक करो जो बिफोर, ये देखो आफ्टर, तो भाई बहुत अच्छी लुक आ चुकी है। आप नॉर्मली कुछ भी एडिट करना चाहो कर सकते हो, अब ये मिल जाते हैं यहाँ पर फिल्टर। ओके तो गाइस आप देख सकते हो कितना फर्क आ चुका है बिफोर, ये देखो आफ्टर, तो लाइट रूम की जरूरत नहीं पड़ी। इंस्टाग्राम में खुद आपको फिल्टर दे रखे हैं, इसका भी गाइस कमाल कर रखो, कोई एडिटिंग कर रखो तो भाई ये बता देते तुम्हारे भाई ने कुछ फिल्टर। ओके तो यहाँ यही तक की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें। ओके गाइस फ्रेंडों के साथ शेयर कर देना जो भाई इंस्टाग्राम जरूर यूज़ करते हो। तो तब तक के लिए गुड बाय, तुम्हारा भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे एडिटिंग करते रहो, लव यू ऑल।